सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हमारे सामने मारुति सुजुकी जिमनी, जो एक काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट रहा है। मैं बात करूँ चर्चाओं में, तो इस चर्चावादिक प्रोडक्ट के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर अभी भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि यार मैं थार रॉक्स लूँ या जिमनी लूँ, और प्रैक्टिकल सेंस में अगर मैं बात करूँ, तो भाई देखो, अगर आपको डेली यूज़ में कार कोई ड्राइव करनी है, जगह कम है, टाइट पार्किंग है, तो मैं कहूँगा जिमनी इज़ अ मोर बेटर ऑप्शन, क्योंकि थार रॉक्स में आपको स्पेस जो है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, चौड़ी है इसके मुकाबले में। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल साइज़ में आती है कि आपको सिटी ड्राइविंग में बिल्कुल आसानी होगी। ये इसका टॉप मॉडल अल्फा है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको फ्रंट फेशिया कुछ इसके अंदर ऐसा लगता है। ये डुअल टोन वेरियंट्स में भी आती है, सिंगल टोन में भी आती है। वाइट कलर सिंगल टोन खड़ा है, अल्फा कलर अल्फा वेरियंट जो इसका टॉप मॉडल है बेसिकली। यहाँ पे आपको फ्रंट प्रोफाइल से अगर मैं बताऊँ, आपको प्रॉपर एलईडी फॉग जो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो देखने को मिलते हैं, हेडलाइट वॉशिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं हेलोजन में, इंडिकेटर्स ऊपर ही देखने को मिलते हैं, ग्रिल देखने को काफ़ी सुंदर मिलती है। फ्रंट फेशिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है गाड़ी रोड पर चलती हुई। और साथ ही साथ आज के टाइम पे इसके अंदर 2.5 लाख रुपये का जब डिस्काउंट चल रहा है, तो कस्टमर्स की एक कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट प्रेफरेंस बन जाती है जिमनी भी, कि एक बार जाके टेस्ट ड्राइव लेके देखने में क्या हर्ज है। तो वही चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको कि 2.5 लाख रुपये अगर आपको डिस्काउंट लेना है, 2.5 लाख से इनफैक्ट ऊपर ही मिल जाता है, क्योंकि कस्टमर टू कस्टमर वैरी करता है कि कौन कितना तोड़ सकता है शोरूम डिस्काउंट पे लेते हुए, क्योंकि ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। कोई कस्टमर बिल्कुल ही बार्गेनिंग नहीं करते, जस्ट जो डिस्काउंट चल रहा है, जो प्राइस है, ले ली और ख़त्म किया। बट अगर आप अच्छा प्राइस ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो आपको 2.5 लाख से भी ऊपर का डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर 2.5 लाख का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में कुछ एसेसरीज मिल जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी शायद कार में लग जाएं। ये मैं कोट नहीं कर रहा है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। 2.5 लाख रुपये का कंपनी की तरफ से डिस्काउंट चल रहा है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। उससे पहले अगर आपको बताऊँ, तो इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 cc का इंजन, जो कि आपको काफ़ी अच्छी पावर देता है। अगर आप यहाँ नोट डाउन करें, तो भाई बहुत ही पावरफुल इंजन है। ये पैरेलली माउंटेड है, सीधा माउंटेड नहीं है। अगर आप नोट डाउन करें, तो ये ऐसे माउंटेड है इंजन, तो ऐसे नॉर्मली गाड़ी का इंजन सीधा माउंटेड होता है। तो काफ़ी पावरफुल इंजन है भाई, काफ़ी ज़्यादा जान है इस इंजन के अंदर। और उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में, क्योंकि गाड़ी में अंदर बहुत ही ज़्यादा एपिक जो है इसके अंदर वो आपको पावर कंसिडरेशन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं मिलती भाई, इंजन ज़्यादा शोर नहीं मचाता जब तक आप हायर RPM पे ज़बरदस्ती इसको खींचो ना, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ABS EBD यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बड़ा सा यहाँ पे वाटर फ्लूइड टैंक मिलेगा, क्योंकि इसके काफ़ी सारे काम है। यहाँ पे आपको विंडशील्ड का काम भी ये करता है, हेडलाइट वॉशिंग सिस्टम भी संभालता है, बैक वाइपर भी संभालता है। तो ऑल अराउंड में बात करूँ, तो ये काफ़ी सारी जो है गाड़ी के अंदर पानी की जो चीज़ें हैं उनको संभालता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। यहाँ पे बात करूँ, ब्रिजस्टोन के टायर्स देखने को मिलते हैं भाई, 195 सेक्शन के, 195 80 R15 के टायर मिलते हैं, सॉरी, तो 15 इंच के टायर साइज आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर में ड्रम ब्रेक ही एज यूजुअल आपको मिलता है। ये बीच में अगर आप देख रहे हैं, ये मेटल का हब है, जो बेसिकली 4x4 सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। 5 नट आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अलॉय व्हील का डिज़ाइन गल मेटल ग्रे कलर में दे रखा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स का यहाँ पे। और प्रैक्टिकली सेंस में बात करूँ, तो काफ़ी ही ज़्यादा इंप्रेसिव यहाँ पे आपको जो लुक्स हैं वो गाड़ी के देखने को मिलते हैं। अलॉय व्हील्स की बात करूँ, यहाँ पे टायर साइज़ की बात करूँ, टायर बहुत ही कैपेबल है गाड़ी के अंदर, बहुत से लोग चेंज करवाते हैं, बट मैं अगर पर्सनल प्रेफरेंस में आपको बताऊँ, तो ये गाड़ी के अंदर टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, कंपनी से काफ़ी अच्छा टायर आपको देखने को मिलता है। साइड में आपको प्रॉपर क्लाइडिंग्स देखने को मिल जाती हैं चारों तरफ ब्लैक कलर की। ये जिमनी का जो आप देख रहे हैं रनिंग बोर्ड के ऊपर, ये आपको एसेसरीज में देखने को मिलता है। ORVM आपको ब्लैक कलर की ग्लॉसी फिनिश में ही देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे जो रेन वाइजर है, डोर वाइजर हैं, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। UV कट आपको यहाँ पे मिरर्स देखने को मिलता है ग्रीन कलर के, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो। 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल जो है वो वाइट कलर के मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये कीलेस एंट्री जो है वो आपको ऑफर करती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंटीरियर आपको प्रॉपर ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। बहुत से लोगों ने गाड़ी ऑलमोस्ट देख ही रही होगी, और ये स्क्रीन भी आपको जो है आर्कमिडीज़ की स्क्रीन देखने को मिलती है। जो इंस्ट्रूमेंट टेस्ट है वो जिमनी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। यहाँ पे बात करूँ आपको मेजर फीचर्स बताऊँ, तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोलिंग मिल जाती है, स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिलता है, जो इसके अंदर आपको हेडलाइट लेवरर है, हेडलाइट वॉशिंग सिस्टम है सॉरी, वो आपको वॉशिंग का जो
बटन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको जो हेडलाइट लेवलिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैमरा थोड़ा सा फोकस कम कर रहा है अंधेरे में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टेयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीट कवर्स हैं ये इसके अंदर ऐसा एसेसरीज लगे हुए हैं, चाहे तो आप लगवा सकते हैं चाहे तो आप नहीं लगवाना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। साइड एयरबैग मिल जाते हैं, मतलब चार एयरबैग आते हैं, दो डैशबोर्ड पे और दो आपको इसके अंदर सीट्स पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो आपको एयरबैग यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, तो अराउंड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलते हैं, दो आपको डैशबोर्ड पे, दो सीट्स पे और दो साइड के पिलर्स पे देखने को मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं अक्रॉस द वेरिएंट्स। दो ही वेरिएंट्स हैं, जेटा और अल्फा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड अगर बात करूँ तो आपको पावर विंडो कंट्रोल यूनिट मिलती है, जो हिल डिसेंट कंट्रोल है और हिल जो अपना ट्रैक्शन कंट्रोल है, जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको दो पावर विंडोज देखने को मिल जाती हैं कंपनी की तरफ से, और साथ में मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, 4x4 का लीवर आपको देखने को मिल जाता है कंपनी की तरफ से, 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है, दो कप होल्डर आपको यहाँ पे पीछे की साइड देखने को मिलते हैं, छोटा सा यहाँ पे आपको स्पेस देखने को स्टोरेज की मिलती है, ग्रैब हैंडल मिलता है। थोड़ा सा कैमरा आज ज़्यादा ही नाटक कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो छोटा सा बहुत मिनिमिस्टिक सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, पतली सी आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है, स्टोरेज स्पेस भी खास कुछ इस गाड़ी के अंदर है नहीं, और बट ये है कि आपको ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत शानदार देगी, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा ही होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पीछे की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी आपको दो के अंदर ही देखने को मिलेगी, 50-50 की स्प्लिटिंग देखने को आपको मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे जो है वो फोल्ड भी हो जाती है, चाहे तो आप कर सकते हैं ऐसे फोल्ड और वापसी आप उसको दोबारा से सेट डाउन कर सकते हैं। और पीछे की पावर विंडो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और कुछ ऐसा जो डोर डिज़ाइन है वो आपको गाड़ी के अंदर देखने को ऑल ओवर मिल जाता है। बूट स्पेस भी डिसेंट इनफ दे रखी है, बैक वाइपर दे रखा है, स्टेपनी व्हील ही टांग रखा है, ये बैक वाइपर आपको मिल जाता है इसके अंदर, बूट अपने आप ऑलमोस्ट खुल जाता है इसका। 211 लीटर की इसके अंदर आपको बूट स्पेस देखने को मिलती है, बूट स्पेस अच्छी भली आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और अच्छा वाला यहाँ पे आपका जो है वो सामान भी आ जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, एक केबल लैंप आपको देखने को मिल जाता है। ऑल अराउंड गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है भाई, और बात करूँ अगर मैं साइज़ के मामले में भी और गाड़ी के प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी, तो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल ही देखने को मिलता है। बात करते हैं अब इसके एंड रिजल्ट पे कि भाई कितना डिस्काउंट चल रहा है और क्या इसका जो डिस्काउंट है उसका ब्रेकअप क्या है। 1,00,000 रुपये कैश डिस्काउंट है गाड़ी के ऊपर, अगर आप पूरी कैश गाड़ी लेते हैं, मतलब जो भी इसका प्राइस बनता है वो पूरा कैश में पे करते हैं वाइट में, तो 1,00,000 रुपये ही डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप कंपनी से फाइनेंस करवाते हैं मारुति से ही, तो आपको 1,50,000 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा, टोटल 2,50,000 रुपये का डिस्काउंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे 2,50,000 रुपये का इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ऊपर से अगर आप थोड़ी बहुत जिद करेंगे तो शायद आपको एसेसरीज भी दे दें, एसेसरीज में जो आप लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, किसी भी पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।